जी ने जाते जाते एक बात कही कि इस बार जनता चेहरे को भी देखेगी। हमारे पास तो चेहरा है, का चेहरा है जिसने काम किया है, इनके पास से चेहरा जिसे आगे करेंगे, इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, जनता बंद बैठे हुए। और दूसरी बात, हमने काम किया है, सबसे बड़ी बात है, कितने भी आरोप लगा लें, मैं बार बार कहता हूँ, डिबेट में कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनलों पर भाषणबाजी में कितने भी प्रकार के आरोप लगा लें, सही आरोप लगा लें, काल्पनिक आरोप लगा लें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, चुनाव आ चुका है, आप जनता के बीच जाने वाले हैं, इन आरोपों का आप जनता के बीच जाकर लगाएंगे, जनता आपको सिरे से खारिज कर देगी, और वही हो रहा है। तो लगातार हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अंदर कलह से झूल रही है। हाल ही में देखा आपने किस प्रकार से नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी में आ गए, उसी प्रकार की और भी चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। और हाल ही में उन्होंने जो 21 प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके कारण भी कार्यकर्ता दुखी है, नाराज है कि अचानक से जो है ये कहां से टिकट मिल गया करके, तो नेताओं के बीच भी काफी जो है अंतर्द्वंद चल रहा है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति। चलिए, तो वर्तमान स्थिति को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप